इंदु गोस्वामी ने विधानसभा परिसर में विधानसभा सचिव के समक्ष राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और भाजपा विधायक इस अवसर पर उपस्थित रहे। विधानसभा परिसर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदु गोस्वामी को भाजपा नेतृत्व द्वारा इस कार्यभार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का ये निर्णय प्रदेश में महिलाओं के सशक्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्यसभा में इंदु गोस्वामी विकासात्मक मुद्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में केंद्र में सशक्त और सक्षम नेतृत्व मिला है, जिन्होंने देश को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गतिशील और करिश्माई नेतृत्व में देश एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। सबके शॉट हो जाए। रमन भाई प्लीज नीचे करो यार। रमन भाई मत करो प्लीज। यार ये कौन है? मैं केंद्र तथा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर आज राज्यसभा के लिए चयन किया है। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी केंद्र तथा प्रदेश नेतृत्व का कि उन्होंने एक महिला को सम्मान दिया है और इंदु गोस्वामी के रूप में उन्होंने प्रदेश की लाखों लाखों महिलाओं को सम्मान दिया है और एक उसके साथ ही एक भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता को भी सम्मान दिया है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का और उनके साथ उनकी समस्त टीम का कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आज मैं राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र भर ली। राज्यसभा के सांसद के रूप में एक सांसद की जो भूमिका रहती है उस भूमिका को मैं निभाऊंगी और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के विकास के लिए जो भी सहयोग एक सांसद के रूप में होगा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजाइन किया, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पिछले 36 सालों से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ, तो मुझे तो संगठन ने जो भी जिम्मेवारी सौंपी है उसको निभाने की कोशिश करती रही हूँ और आज महिला मोर्चा की अध्यक्षा के रूप में मैंने प्रदेश में काम किया है और आज सचमुच प्रदेश में इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे अध्यक्ष ने और केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतियां, निर्णय, योजनाएं बनाती हैं और उसी कड़ी में एक कार्यकर्ता को राज्यसभा का आज नामांकन भरा है और उसको आशीर्वाद दिया है, तो मैं पुनः समस्त केंद्र के नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी उस पर आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई है और आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। ये सीट इससे पहले भी महिला के पास थी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया कि फिर से इस सीट पर एक महिला कैंडिडेट को हमको भेजना चाहिए और इंदु गोस्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के चर्चा करने के पश्चात आज यहां पर प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन ने फाइल किया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इंदु जी पार्टी की हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही और इससे पहले जो है वो कमीशन में चेयरपर्सन के नाते भी काम किया और उसी तरह से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यसभा की इस महत्वपूर्ण सीट पर आज इनका नामांकन हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं
और हमारे लिए सौभाग्य की बात है हिमाचल प्रदेश से हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन सब के आशीर्वाद से आज इस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी के नाते नॉमिनेशन के लिए इंदु गोस्वामी जी का नामांकन की प्रक्रिया हमने जो पूरी की है और एक ही नॉमिनेशन अभी तक आया है और हमने विपक्ष से भी इसमें सहयोग मांगा है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विपक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे। मैं इंदु गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिल करके हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए आने वाले समय में काम करेंगे और एक युवा और युवा होने के साथ साथ में महिला नेत्री के नाते हिमाचल प्रदेश में आपने वर्षो से काम किया है, उस काम को और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी और हिमाचल के विकास के लिए सब मिलकर के काम करेंगे। एक बार फिर से प्रदेश के नेतृत्व यहाँ हमारे पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, सबका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। मैडम आप